हमारी चैनल ज्ञान विशेष को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विशेष चैनल में आपका स्वागत है। हम हाजिर है फिर एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज हम धतूरा के फायदे के बारे में बात करेंगे। आयुर्वेद में धतूरा को उपविष की श्रेणी में रखा गया है। उपविष यानी एक प्रकार का जहर, इसीलिए इसे छूने से भी लोग डरते हैं। इसमें भी काले रंग के फूल वाला धतूरा सबसे ज्यादा जहरीला होता है। धतूरा के फूल भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग किसी भी काम में नहीं किया जाता। लेकिन दोस्तों, आज हम धतूरा के आपको कुछ ऐसे फायदे के बारे में बताएंगे जिससे आप इसे पसंद करने लगेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम धतूरा के फायदे के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस जहरीला पौधा भी औषध कार्य में उपयोगी होता है। तो आइए जानते हैं कि धतूरा का प्रयोग औषध कार्य में किस प्रकार से किया जाता है। धतूरा के पत्तों को सिर पर मलने से डैंड्रफ खत्म होती है और गंजापन मिट जाता है। इसके रस को तिल के तेल के साथ मिलाकर गर्म करके दर्द वाली जगह पर मालिश करने से दर्द खत्म हो जाता है। दोस्तों, धतूरा का प्रयोग बवासीर के इलाज के तौर पर भी किया जाता है। इसके लिए धतूरा के फूल और पत्तों को जलाकर इसके धुएं से बवासीर के मस्सों की सिकाई की जाती है। इससे बवासीर के मस्से मुरझा जाते हैं। गठिया के दर्द में धतूरा का तेल बहुत लाभकारी होता है। इसके लिए धतूरा के पंचाग को तिल के तेल के साथ पकाएं। जब तेल मात्र ही शेष रह जाए तब उस तेल से गठिया पर मालिश करने से और धतूरा के पत्ते को गर्म कर बांधने से गठिया रोग ठीक हो जाता है। इसके अलावा जोड़ों के दर्द में धतूरा के शत की आधे ग्राम की मात्रा में 3 बार रोगी को सेवन कराने से लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त धतूरा के पत्रों का लेप लगाने से या धतूरा के पत्रों की पुलटी से गठिया और हड्डी के दर्द में आराम होता है। दोस्तों, महिलाओं में स्तनों की सूजन होने पर धतूरा लाभकारी है। इसके लिए धतूरा के पत्तों को गर्म करके स्तनों पर बांधने से या इसके पत्तों का लेप करने से लाभ मिलता है। इसके अलावा जिन स्त्रियों के दूध अधिक होने से स्तन में गांठ हो जाने का भय हो तो धतूरा के पत्ते को बांधने से स्तनों की गांठ बिखर जाती है। धतूरा बालों के लिए भी काफी लाभकारी है। अगर आपके सिर के बाल लगातार झड़ रहे हैं और आप गंजापन का शिकार बन रहे हैं तो धतूरा आपके लिए एक चमत्कारिक औषधि है। इसके लिए धतूरा के पत्तों के रस को सिर पर नियमित रूप से मलने से नए बाल आने लगते हैं। ये प्रयोग नियमित रूप से कुछ सप्ताह तक करते रहे तो गंजापन से निजात मिल सकती है। दोस्तों, ये सिर की जुएं को भी नष्ट करता है। इसके लिए 1/2 लीटर सरसों के तेल के साथ 2 लीटर धतूरा के पत्तों का रस मिलाकर धीमी आंच पर पकाएं। जब तेल मात्र शेष रह जाए तब छान कर बोतल में भर कर रखें। इस तेल को बालों पर लगाने से सिर की जुएं नष्ट हो जाती है। धतूरा घाव भरने में भी बहुत लाभकारी है। इसके लिए दिन में 3 से 4 बार धतूरा के पत्तों की पुलटिश बांधने से घाव जल्दी भर जाते हैं। दोस्तों, धतूरा के पत्तियों के साथ शिलाजीत मिलाकर लेप करने से अंडकोश की सूजन मिटती है, हड्डियों की सूजन दूर होती है और शरीर की सभी प्रकार की सूजन में फायदा होता है। दोस्तों, धतूरा के औषधीय प्रयोग के साथ कुछ सावधानियां भी है। धतूरा एक प्रकार का जहर है। इसका अधिक मात्रा में सेवन शरीर में रूखापन लाता है। इसका अधिक मात्रा में सेवन करने से सिर दर्द, पागलपन और बेहोशी जैसे लक्षण पैदा होते हैं। शरीर का तापमान बढ़ जाता है, आंखें और चेहरा लाल हो जाता है, शरीर चुन्न पड़ जाता है। इसलिए जहां तक हो सके इसका बाह्य प्रयोग ही करना चाहिए और आंतरिक प्रयोग से बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।